नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी सतपाल अंतिल को वीरता के लिए पदक दिया है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में अपनी ड्यूटी के दौरान एसपी सतपाल अंतिल ने कुख्यात अपराधी रोहित सांडू और उसके साथी राकेश यादव को मुठभेड़ में ढेर किया था। बता दें कि मुजफ्फरनगर में रोहित सांडू के नाम की दहशत हुआ करती थी। एक बार तो उसके साथी उसे पेशी के दौरान पुलिस की कस्टडी से छुड़वाकर भगा ले गए थे। इस दौरान बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में एक दारोगा की भी मौत हो गई थी। बता दें कि इससे पहले भी एसपी सतपाल अंतिल को 15 अगस्त 2020 को वीरता के लिए राष्ट्रपति ने भी पुरस्कृत किया था और अब लखनऊ में 2 अक्टूबर के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने भी एसपी सतपाल अंतिल को सम्मानित किया है। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी सतपाल अंतिल को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भी इससे पहले एसपी अंतिल को पुरस्कृत कर चुके हैं। दरअसल कुख्यात बदमाश को मुठभेड़ में अंतिल ने ढेर किया था और इसी वजह से उनके साहसी पराक्रम, जो कर्मनिष्ठा है उनकी, उसके मद्देनजर उन्हें लगातार सम्मानित किया जाता रहा है। पिछले साल भी उन्हें सम्मानित किया गया और इस साल भी यानी कि 2 अक्टूबर के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रावस्ती में बीती रात दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपिटाई हुई। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एकौना अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एकौना थाना क्षेत्र के धर्मपुर गाँव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती का ये पूरा मामला, दो पक्षों में खूनी संघर्ष मामूली विवाद के बाद शुरू हो गया और इसके बाद महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एकौना थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की पूरी घटना। अलीगढ़ के एमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि पीड़ित महिला मरीज की मदद के नाम पर बाहरी युवक ने इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में जेएन मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने वॉशरूम में रंगे हाथों आरोपी युवक को दबोच लिया। वहीं दिन दहाड़े घटी इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में नगर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर पर अलीगढ़ में अपहरण और जानलेवा हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। बुलंदशहर पुलिस के इंस्पेक्टर ने अलीगढ़ में एक उद्योगपति का अपहरण कर गाड़ी में बंधक बनाकर पिटाई की थी, जिसके चलते आईजी ने इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। बता दें कि बुलंदशहर कोतवाली में तैनात एक इंस्पेक्टर अजय कुमार ने आला अधिकारियों को जानकारी दिए बिना ही अलीगढ़ में उद्योगपति के यहाँ दबिश थी। आपको बता दें कि उद्योगपति अभिषेक तिवारी के खिलाफ थाना नगर कोतवाली में 6,60,000 का चेक बाउंस होने पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। आरोपी इंस्पेक्टर अजय कुमार बुलंदशहर में उद्योगपति के खिलाफ दर्ज केस के विवेचक हैं, जिन्होंने खुद को बुलंदशहर नगर कोतवाल बताकर अपने अन्य दुस्साथियों के साथ अलीगढ़ में उद्योगपति को कार में बंधक बनाया, उसकी जमकर पिटाई की थी। मामले में पीड़ित ने परिजनों और व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को पूरे मामले की शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए आईजी ने आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। मामले में बुलंदशहर एसपी संतोष कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर अजय कुमार को आईजी के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर उद्योगपति अभिषेक तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी में दर्ज मुकदमों में विवेचक थे।
आरोपी इंस्पेक्टर ने बिना किसी आला अधिकारी की मंजूरी के दबिश दी और धोखाधड़ी में 7 साल से कम की सजा है, इसलिए आरोपी इंस्पेक्टर को दबिश नहीं देनी थी, सिर्फ उद्योगपति को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा सकती थी। थाना कोतवाली नगर पर तैनात एडिशनल इंस्पेक्टर अजय कुमार को कल निलंबित किया गया है। इनके संबंध में ये अवगत कराना है कि इंस्पेक्टर अजय कुमार थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1398/21 जो 16/9/21 को पंजीकृत हुआ था, इस अभियोग के विवेचक थे और इसमें जो अभियुक्त थे वो अभिषेक तिवारी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध लगभग 660,000 रुपये का चेक बाउंस होने का एक मुकदमा बुलंदशहर कोतवाली नगर के एक राजीव कुमार शर्मा के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे की विवेचना में बिना वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश अनुदेश प्राप्त किए, बिना अनुमति ये अपने थाने से रवानगी करके गए थे। क्योंकि ये प्रकरण इस तरह का था जिसमें 7 साल से कम की सजा और ऐसे प्रकरण जिसमें श्रेणी में नहीं आता है तथा जिसमें गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है, अकारण जाकर के कथित अभियुक्त को हिरासत में लेना, टॉर्चर करना, इस तरह के आरोप इनके विरुद्ध लगाए गए थे। प्राथमिक जांच कराने पर आरोप सही पाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री ने ODOP उत्पाद भेंट किया। उन्होंने बताया कि कंगना ODOP की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के जरिए यूपी को एक एक जिले के उद्यम कौशल का डंका दुनिया में बजाने के लिए कई प्रयास शुरू कर दिए हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रदेश सरकार ने यूपी के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। जिलों में पारंपरिक शिल्प और लघु उद्यमियों के संरक्षण के लिए उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य है कि यूपी के हर जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा जो जिले की पहचान बनेगा। ये बिजनेस सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के भी कई अवसर प्रदान किए जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कंगना रनौत की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उपहार स्वरूप वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के तहत भेंट भी किया और इस पूरी योजना के ब्रांड एम्बेसडर भी कंगना रनौत होने जा रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बेटियों को शिक्षा का अनूठा उपहार दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाली एक परिवार की दो बेटियों में से एक की फीस माफ करने को कहा। अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो संबंधित विभाग को एक छात्रा की फीस की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। गांधी जयंती के मौके पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तो उनका लगभग निःशुल्क पठन पाठन है ही, अब एक और कदम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा पर हमने बड़ी योजना तैयार कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि निजी स्कूल में अगर एक ही घर में दो बहनें पढ़ती हैं तो अभिभावक स्कूल में एक ही फीस माफ करने की अपील करें। उनकी अपील पर भी अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो शिक्षा विभाग फीस भरने की व्यवस्था करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोग फीस भरने में असमर्थ हैं, इससे उनको मदद मिलेगी। केंद्र के साथ यूपी सरकार भी किसी को किसी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रहने देगी। गांधी जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2020 से किसके तहत 1,51,215 मेधावी छात्रों को 1,77.35 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित बड़ी संख्या में मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान CM योगी ने योजना के 10 लाभार्थी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं।
दिल्ली से पंजाब लौटने के बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। अमरिंदर कांग्रेस आलाकमान को ये याद दिला रहे हैं कि 2017 के बाद उनके नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस ने हर चुनाव जीता, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव या इस साल फरवरी में हुए स्थानीय निकाय का चुनाव। जाहिर सी बात है कि अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके अमरिंदर सिंह जहां एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाकर सिद्धू को घेरने की कोशिश करेंगे, तो वहीं इसके साथ ही लोकप्रियता के मामले में अपने आप को गांधी परिवार के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय साबित करने की कोशिश भी करेंगे। अमरिंदर के तेवरों से भाजपा पहले दिन से ही उत्साहित है, इसलिए शुरुआत से ही भाजपा अमरिंदर को राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री बताते हुए उन्हें हटाने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर निशाना भी साध रही है। अमरिंदर जिस तरह के गंभीर आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर लगा रहे हैं उससे भी भाजपा को गांधी परिवार पर हमला करने का मौका मिल गया और भाजपा लगातार ऐसा कर भी रही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बाराबंकी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाजी बारिश अली शाह की सरजमी देवा शरीफ पहुंचकर चादर चढ़ाई और मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आज हमारा आचरण हमारी विरासत के मुताबिक नहीं चल रहा है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पड़ोसी देश अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के प्रति भी लोगों को सचेत किया है। आपको बता दें कि बाराबंकी में महात्मा गांधी की जयंती पर करीब 1978 से निरंतर आयोजित होने वाले विधिवत कार्यक्रमों की शुरुआत 1 अक्टूबर से होती है। ऐसे में गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट एक बार फिर गांधी जयंती सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मना रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को जीवंत बनाए रखने हेतु अनेक कार्यक्रम और उनके बताए गए सत्य, अहिंसा, सौहार्द और समरसता के सिद्धांतों को आत्मसात करना है। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बाराबंकी के कई स्थानों का भ्रमण भी किया। तो बाराबंकी पहुंचे हाजी वारिस अली शाह, जिन्होंने वहां पर दरगाह भी चढ़ाई है। आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल वहां पहुंचे थे और चादर चढ़ाते हुए नजर आए। दरअसल जो मेन मकसद था उनका, वो गांधी जयंती के मौके पर वहां कार्यक्रमों में शामिल होना था। अनेक कार्यक्रम वहां पर रखे गए थे, जो स्कूली बच्चे थे वो भी रैली निकालते हुए नजर आए और यहां पर केरल के राज्यपाल ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उनके जो विचार रहे हैं उनको आगे बढ़ाने को लेकर संकल्प लिया। साथ ही साथ कहा है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं हमें गांधी के विचारों को भी उसी तरह से आगे बढ़ाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये विचार आगे साझा करने हैं। मैं कभी अपने आप को उस तरह नहीं पेश करता, ना मैं देखता हूँ मैं भारतीय हूँ, वो मेरी पहचान। सर, जो आज राजनीति हो रही जिस तरह से खासकर यूपी में हिंदू और मुस्लिम को लेकर, उसके बारे में सर कुछ? कोई नहीं, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, मैंने आपको भी बता दिया, मैं जो करूँगा वो मेरे सामने आए। सर, जो गांधी जी के ख्यालात हैं उनको आज के दौर में आप कहाँ पे देखते हैं? क्या नहीं लगता कि उनके सामने चैलेंजेस बढ़ गए? मैं समझता हूँ कि गांधी जी की प्रासंगिकता का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता कि अमेरिका की राजनीति बदल गई। मार्टिन लूथर किंग का पूरा आंदोलन गांधी जी से प्रेरित था और उस आंदोलन के नतीजे में पहली बार वहाँ एक काले रंग का आदमी प्रेसिडेंट बन गया और समाज में जुड़ाव कर चुका। अगर दूसरा तरीका अपनाते तो समाज टूटता। देखिए, जनता क्या सीखती है ये तो जनता जाने। हमारा काम ये है कि हम 1978 से गांधी जयंती का काम कर रहे हैं, गांधी दर्शन पर काम कर रहे हैं और ये काम हमारा निरंतर जब तक हम जीवित हैं जारी रहेगा और ये एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। पहले दिन इसका उद्घाटन हुआ, दूसरे दिन सुबह गांधी जीवन दर्शन पर परिचर्चा हुई, शाम को ये परिचर्चा आरिफ मोहम्मद खां को आना था उन्होंने किया और उसके बाद अब यहाँ एक कवि सम्मेलन और मुशायरा है और कवि सम्मेलन और मुशायरे के बाद कल खेलकूद की प्रतियोगिता है और फिर उसके बाद जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के डायरेक्टर हैं दिल्ली के, वो 7 तारीख को यहाँ पर समापन करेंगे।
हमारा एक ये प्रयास, नया प्रयास है कि गांधी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि खेल कूद का एक क्लब हमने बनाया है जिसमें बहुत छोटे छोटे गरीब लोगों के बच्चों को हम ड्रेस देंगे, कपड़ा देंगे। आज भी हमने करीब करीब 30,000 रुपए की हॉकी और वो मोजे और उनके लिए सामान बच्चों के लिए मंगाए हैं जिससे वो गरीब बच्चे बड़े लोगों के बच्चों के साथ जब खेलें तो उनको हीन भावना का अनुभव न हो, ये प्रयास हमारा है। हम गांधी के विचारों को आम आदमी तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि गांधी एक सद्भावना के प्रतीक थे, गांधी एक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। असम में कांग्रेस विधायक शेरमान अली अहमद को 23 सितंबर की हिंसा का जिक्र करते हुए सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयानों के लिए उनकी पार्टी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के एक दिन बाद यानी कि शनिवार शाम को हिरासत में लिया गया। राज्य के दारांग जिले में बेदखली अभियान के दौरान भीड़ की पुलिस के साथ झड़प में 20 अन्य लोग घायल हो गए। इसके साथ ही 3 बार के विधायक रहे शेरमान ने करीब 40 साल पहले असम आंदोलन के दौरान दारांग जिले में 8 लोगों की हत्या को सही ठहराया था। शेरमान अली अहमद पश्चिमी असम के बारपेटा जिले की बागबार सीट से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने पिछले सप्ताह सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयान दिया जिससे राज्य भर में व्यापक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया और विभिन्न संगठनों ने पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज कराई जिसके चलते पुलिस ने उन्हें उनके गुवाहाटी स्थित आधिकारिक आवास से हिरासत में ले लिया है। तो असम में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। असम में भी लगातार हिंसात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने समय का एक निश्चित हिस्सा कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। शनिवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NLSC के 6 सप्ताह के पेन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के शुभारंभ पर बोलते हुए कोविंद ने गांधी जयंती पर जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए NLSA की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मानवता की सेवा के प्रतीक थे जिसमें दलितों को न्याय दिलाने की सेवाएं भी शामिल थी। कोविंद ने कहा कि 125 साल से अधिक समय पहले गांधी जी ने कुछ उदाहरण रखे थे जो आज भी पूरी कानूनी बिरादरी के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी कानूनी प्रतिभा सबसे गरीब लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी की सलाह का पालन करना कानूनी बिरादरी को लगातार करना चाहिए, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तो जरूर करना चाहिए। बाराबंकी में बिजली विभाग के बिल बकाए को लेकर मामला सामने आया है जहां सरकारी विभाग का 30 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल बकाया है। इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि देनदारी में सरकारी विभाग का 21 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल निलंबित है और वहीं कमर्शियल और घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया बिल 10 करोड़ से ज्यादा है। आपको बता दें कि अभियान के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारी गरीब मजदूर किसानों के छोटे बकाया दर का कनेक्शन काट कर उन पर जुर्माना लगाकर खरी खोटी सुनाते हैं और अपनी पीठ भी थपथपाते हैं। वहीं अधिकारी सरकारी विभागों के बकाया बिल पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आपको बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा बकाया बिल DM ऑफिस का है लेकिन उस ओर बिजली विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। कुल 5 बड़े बकायेदार हैं हमारे पास। एलोपैथिक चिकित्सा पे 1,23,00,000 रुपया, प्राथमिक शिक्षा पे 2,19,00,000 रुपया, माध्यमिक शिक्षा पे 1,33,00,000 रुपया और जल संस्थान पे 1,49,00,000 रुपया। कुल 10,13,00,000 रुपया बकाया। अरे हम लोगों की जो है अगर 3,000 रुपये से ऊपर होती बिजली बकाया तो हमारे अधिकारी लोग जा कर के बिजली विभाग के जो है वहाँ कनेक्शन काट देते हैं और तरह तरह की खरी खोटी सुनाते हैं और जुर्माना भी ठोक देते हैं। ऐसे में हम लोग गरीब किसान जो है जीने को दूभर हैं कि यहाँ कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे उनके फीस फास की जो है अदायगी की जाएगी। तो पहले से बिजली विभाग का रेट कुछ बढ़ा हुआ है? अरे दिन प्रतिदिन जो है इनका जो है रेट बढ़ता जा रहा है।
और इसे जो है हमारे जनमानस में जो है और हम लोग जो है इसे आहत हैं। कानपुर के बर्रा सब्जी मंडी में देर रात समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक कार से आए कुछ लोगों ने हर्ष यादव को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से हर्ष के मौके पर ही जान चली गई। हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। हर्ष को लहूलुहान हालत में पटेल चौक के पास स्थित नर्सिंग होम ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। परिजनों से पूछताछ के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। शहर भर में नाकाबंदी कराकर कार सवारों का भी लगातार पता लगाया जा रहा है। आगरा के डोकी गांव में पूर्व फौजी ने खूनी तांडव मचाया हुआ है। फौजी ने अपने गांव में फायरिंग की, जिससे महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि सिरफिरा फौजी पड़ोसी महिला पर बुरी नजर रखता था, जिसको लेकर फौजी पर छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद से गांव के आसपास में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व फौजी ने खूनी तांडव यहां पर मचाया हुआ है। पूर्व फौजी ने जमकर फायरिंग की और फायरिंग में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो पूर्व फौजी था वो एक महिला पर बुरी नजर रखता था, जिसको लेकर एक FIR भी दर्ज कराई गई थी, जिससे गुस्सा होकर आक्रोशित होकर उसने फायरिंग की। फायरिंग में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अमेठी में लगातार आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, वहीं पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित है। ताजा मामला अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में देर रात दुकान के बाहर सो रहे 55 साल के व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। व्यापारी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वो 10 बजे खाना खा के घर से दुकान पे आए, उसके बाद वो हमको सुबह पता चला कि उनकी मृत हो गई है। पैसा 30,000 रुपये ले गया, सामान भी ले गए हैं। कितने की लूट हुई? लगभग 30-35,000 का लूट ले गए हैं। तो कैसे, किस कंडीशन मिले थे वो? उनकी हत्या हुई थी, उनके ब्लड नाक के खून आया था और गला भी दबाया गया था और पैर से बांधा गया था पैर। देखिए, ग्राम नैनहा के रहने वाले राम कुमार यादव गाँव के बाहर अपनी परचून की दुकान के बाहर सोए हुए थे। प्रत्येक दिन यहीं सोते थे। आज सुबह उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पाई गई है। शरीर पे कुछ चोट के निशान भी हैं। घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और डेड बॉडी को मर्चरी भेजा गया पंचायतनामा PM कार्रवाई करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।